हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौसिखियाज कॉर्नर। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आलू चाप की पकौड़ी। ये यूपी स्टाइल की आलू चाप पकौड़ी है जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही चटपटी तीखी सी लगती है और ये चाय के स्वाद को आपको ज़रूर बढ़ा देगी। तो आप चाय के साथ इस पकौड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें डाल दिया है लगभग 2 चम्मच साबुत धनिया। हम आलू चाप पकौड़ी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं तो 2 चम्मच धनिया के साथ ही मैंने डाल दिया है लगभग 7 से 8 काली मिर्च। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 5 से 6 लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का यूज आप अपने स्वाद के अनुसार करें। अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे। हमें इसे तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, लगभग 1 मिनट के लिए हमें इसे धीमे आंच पे भून लेंगे। और इसके बाद आखिरी में मैंने डाल दिया है लगभग आधा चम्मच साबुत जीरा। अब हम इसको लगभग 5 से 7 सेकंड के लिए भूनेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारे आलू चाप पकौड़ी के लिए मसाला बन के तैयार हो गया। अब हम इसे अच्छा सा दरदरा पीस लेंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और कढ़ाई में डाल दिया है लगभग 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल और मैंने लगभग 7 से 8 आलू उबाल करके पहले से रख लिए हैं। तो तेल गरम हो जाने के बाद इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, लगभग आधा चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है और इसमें 1 चुटकी भर हींग डाल दिया है। और जीरा धनिया चटक जाने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब हम इन सबको आपस में अच्छे से भून लेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें आलू जो बॉईल करके रखा था इसको मैश कर लिया है और इसको मिला दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा था इसको डाल देंगे। अब हम आलू के साथ इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए खूब अच्छे से कम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए आलू को अच्छे से मैश करते हुए मैंने इसे भून लिया है। तो अब आलू का मसाला भून चुका है, अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और अब हमें इसकी टिकिया बना लेनी है। तो आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा शेप रख सकते हैं। तो मैंने सारे आलू की इस तरीके से सिंपल वे में टिकिया बना ली है। तो ये देखिए इसी तरीके से बनाते हुए मेरी सारी टिकिया तैयार हो गई है। अब चलते हैं पकौड़े के लिए बेसन घोल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच बेसन। इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो लहसुन और हरी मिर्च मैंने पीस लिया है
मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। और इसमें मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की पीस ली हैं। अब इसमें सबसे अच्छा टेस्ट आता है सोया का। जो सोया इस समय मिलता है ठंड के सीज़न में, उसको मैंने बारीक काट लिया है, लगभग आधा कटोरी सोया। और अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। इस घोल को बहुत पतला नहीं रखते हैं, ये थोड़ा गाढ़ा होगा तभी ये आलू की टिक्के के ऊपर अच्छे से चढ़ेगा, तो इसको आप थोड़ा सा गाढ़ा ही रखें और इसको अच्छे से फेंट लें। अब इसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा, 1 पिंच खाने वाला सोडा, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। अब चलिए, पकौड़ियों के साथ चटनी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो झटपट मैं आपको चटनी के लिए बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है, तो धनिया की पत्तियाँ, लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 1 टमाटर, जीरा, नमक, काला नमक, इन सबको मैंने अच्छे से पीस के चटनी तैयार कर ली है। अब चलिए, आलू चाप पकौड़ियों को हम तल के निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से एक एक टिकिया लेके बेसन में डुबो के, और हमें इसको गरम तेल में छान लेना है। तो छानते वक्त आप आँच मीडियम ही रखिए। तो सिंपल तरीके से एक एक टिकिया को मैंने चम्मच की सहायता से उठा के बेसन में डुबो के और इसको तल के निकाल लिया है। तो इसको हम हर तरफ से पलटते हुए गोल्डन कलर का कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे हलवाई स्टाइल की आलू चप पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए और ख़ुद भी चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और इसके साथ ही अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।